अस्सलाम वालेकुम एवर, आज हम आपको सैर करवाते हैं। कुहाट की एक छोटी सी तस्वीर है, उधर के पहाड़ आपको दिखाते हैं किस तरह आपके पहाड़ हैं और मैदान के साथ पहाड़ बने हुए हैं। ये आप पहाड़ देखिए, और भी तरफ का बहुत अच्छा सा और खूबसूरत सा नज़ारा है। मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे जितने भी एवर न्यू हैं चाहे पुराने आ रहे हैं, मैं उनको अच्छा दिखाऊँ ताकि वो पाकिस्तान की जो खूबसूरती पड़ी है आप उससे लुत्फ़ अंदोज़ हो सके। मेरे जितने भी पुराने व्यूअर हैं या न्यू व्यूअर हैं, मैं सबसे गुजारिश करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो को देखा करें। आप किसी दो चैनल पर ग्रो हो जाएगा, खूबसूरत चैनल बन जाएगा। आपको मैं अपने चैनल के बारे में भी वार्ता कर रहा हूँ कितना हो, अगर आप लोग भी कभी स्टार्ट करें तो आपके पास रिश्ता नहीं है। आपको इधर के जो पहाड़ हैं बहुत खूबसूरत पहाड़ हैं, शाम का टाइम होने वाला है, बहुत खूबसूरत पहाड़ है। अल्लाह ताला ने जो पाकिस्तान में इतनी हज़ार नियमतें अदाफत हज़ार नियमतें रखी हुई हैं उनको मालूम ही नहीं। इधर के पहाड़ हम आपको दिखाते हैं किस तरह ब्लैक से ग्रीन से पहाड़ है और खूबसूरत नज़ारा है, टोटल करके दिखाते हैं। कोशिश करता हूँ जितने भी पैसा जाएगा पूरी वीडियो बनाऊँ ताकि आजकल के दौर में हर बंदे को बस फटाफट टाइम पड़ा हुआ है, हर बंदे को थोड़ी जल्दी लगे कि यार मैं जल्दी जाऊँगा तभी तो। बस इंसान मेहनत करे ताकि अल्लाह उसको देखता है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, अल्लाह मुझे भी कामयाबी अता फरमाए। ये पार्ट दिखाते हैं। अच्छा, ख़ास तौर इधर के जो इलाके हैं यहाँ पे ये जिस तरह घास है ना, ये कहते हैं चार पाए की पट्टियाँ जो होती है ना, ठीक है, ये वो घास है, ठीक है, ये वो दरख्त है जिससे ये जानवर भी बहुत खाते हैं, इसको बहुत शौक से खाते हैं। जो छोटे छोटे होते हैं, ये देखें मेरे साथ कौवे हैं, ये बहुत अच्छे से खा रही हैं, आराम से खा रही हैं। इधर मेरे इस साइड पर जितने भी हैं वो बहुत खूबसूरत सा माहौल है, वो थोड़ा सा दूर है, मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह वो भी, ठीक है। जितने भी मेरे व्यवहार हैं मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊंगा, इधर की सैर भी करवाऊंगा। इससे अच्छे भी इलाके और भी पड़े हैं, खूबसूरत सा माहौल है। मेरे सामने उस साइड पर देख रहे हैं कितने खूबसूरत से पहाड़ हैं, वो भी बहुत खूबसूरत सा पहाड़ है। यहाँ पे मुझे चढ़ते वक्त थोड़ी सी मुश्किल महसूस हो रही है कि यहाँ पे पहाड़ इस तरह के हैं, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा दरख्त होते हैं ना वो बेरी के, बेर के बहुत से ज़्यादा दरख्त हैं यहाँ पे बेर के, एक बात। दूसरी बात, यहाँ पे बिच्छू भी बहुत ज़्यादा है, पीले बिच्छू, पीले कलर के बिच्छू यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और जो कहते यहाँ के लोग कहते हैं यहाँ पे जो गर्मियों में होते हैं ना, जून जुलाई में, इतने होते हैं, हद से ज़्यादा होते हैं। अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो सामने नज़र आ रही होंगी आपको बकरियाँ खूबसूरती से चल रही हैं, वो देखें यहाँ पे बकरियाँ बहुत खूबसूरती से यहाँ पे इनको ना इनको कोई चराने वाला होता है ना कोई देखने वाला होता है, बस इनको छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ पे मुर्गियाँ इन लोगों ने पाल के रखी हुई हैं, बहुत ही खूबसूरत मुर्गियाँ, वाइट कलर की, जिस तरह बहुत महंगी महंगे लोग शौक रखते हैं पाकिस्तान में, उन लोगों को कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि हमें खूबसूरत मुर्गियाँ चाहिए, मुर्गियाँ चाहिए। यहाँ पे मैं वो भी आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे बहुत लोगों ने शौकीन से पाले हुए हैं। मेरे सामने बकरियाँ आ रही हैं, आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत बकरियाँ हैं, ठीक है, खा के घास चार के अभी पहाड़ से नीचे उतर के शाम को घर चले जाएंगे खुद ब खुद ना। ये मेरे सामने आप देख सकते हैं, इसको कोई भी इन लोगों को इन बकरियों के साथ कोई भी भाई या कोई बहन या कोई भी मर्द कोई भी नहीं है यहाँ पे, बस ये इनको छोड़ देते हैं, चले जाते हैं तकरीबन 3:30 बजे छोड़ देते हैं, फिर शाम को मगरब जैसे होती है ये शाम को वापस आ जाते हैं। ये देख रहे हैं बकरियाँ, बहुत ही खूबसूरत सी बकरियाँ हैं, आपको ज़ूम करके दिखाता हूँ किस तरह की बकरियाँ हैं। वो मेरे बैक साइड पे वो जो मैंने आपको पहले दिखाई वो बकरियाँ, वो बहुत से दूर से नज़र आ रही हैं, वो भी बहुत खूबसूरत से बकरियाँ हैं, वो भी बहुत दूर है। यहाँ पे ये दरख्त देखें, बहुत सूखे खुश दरख्त हैं,
ये सामने भी दरख्त हैं, बहुत सारे दरख्त हैं इधर जो इस तरह के। ये सामने मेरे बकरियां जा रही हैं, देख रहे हैं आप खुद, ये भी शाम को जा रही हैं, वो सामने उनके घर हैं वहाँ पे ये बकरियां जा रही हैं। ठीक है, ये बकरियां जाके वहीं पे घर जाएंगी खुद ब खुद, इनको कोई चराने वाला नहीं है यहाँ पे। मैं तकरीबन 2 घंटे से इधर बैठा हूँ, कुछ नहीं देख रहा हूँ, कोई भी बकरी ऐसा नहीं है, ना कोई चराने वाला है ना देखने वाला है कोई। ठीक है, सब दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं हूं आपका बिरोजा भाई।